वहीं ईरान ने इसराइल को हराने के लिए शॉर्ट सर्किट वाला फॉर्मूला लागू कर दिया है। इसराइल के लिए यह फॉर्मूला बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि युद्ध के हालात में उसका आयरन डोम सिस्टम नाकाम हो जाएगा। और ईरान ने शॉर्ट सर्किट वाले फॉर्मूले को टेस्ट करने के लिए सबसे पहला ऑर्डर लेबनान के हिजबुल्लाह को दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये 4 अगस्त का वीडियो है, सुबह भी नहीं हुई थी और लेबनान इजराइल बॉर्डर पर रॉकेट हमले शुरू हो गए। ये रॉकेट हिजबुल्ला दाग रहा था और अब इन्हें रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि हिजबुल्ला जितने रॉकेट दागेगा इजराइल उतने रॉकेट मार गिराएगा। सवाल है कि इजराइल ऐसा कब तक करता रहेगा, क्योंकि इजराइल के खिलाफ मोर्चे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 है। इसलिए रॉकेट वाले युद्ध ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका जवाब आपको चौंका देगा। 1, 2, 3, 4 गिनते रहिए, आपको 5-10 नहीं बल्कि पूरे 16 रॉकेट शिकार करते हुए आयरन डोम मिल जाएगा। जी हाँ, इस हमले में हिजबुल्ला के 16 रॉकेट इजराइल ने मार गिराए। एक भी रॉकेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से नहीं बच पाया। लेकिन फिर वही सवाल, रॉकेट हमले कब तक रोकता रहेगा इजराइल? क्या ईरान ने इजराइल को चकरघिन्नी युद्ध में फंसा दिया है? क्या ईरान ने इजराइल की एयर डिफेंस बैटरी फेल करने की तैयारी कर ली है? क्या इजराइल के खिलाफ ये ईरान का शॉर्ट सर्किट प्लान है? מדינת ישראל נמצאת במלחמה רב-זירתית נגד ציר הרשע של איראן. אנחנו מכים בעוצמה בכל אחד מזרועותיו. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. ואני חוזר ואומר לאויבינו, נגיד ונגבה מחיר כבד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. इजराइल का आसमान रोज ऐसी रोशनी से जगमग होता है। कभी उत्तर की तरफ से हिजबुल्ला रॉकेट फायर करता है, कभी गाजा की तरफ से बचा खुचा हमास का रॉकेट दस्ता एक्टिव होता है और फिर इसके जवाब में इजराइल एक्टिव करता है आयरन डोम। और फिर इजराइल के आसमान पर नजर आता है ये नजारा। लेकिन हर हमले को रोकने के लिए इजराइल का एयर डिफेंस बहुत महंगा साबित हो रहा है। हिजबुल्ला का एक रॉकेट कुछ हजार डॉलर का होता है, जबकि उसे रोकने वाली मिसाइल लाखों डॉलर की होती है। यानी 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए आयरन डोम से 2 मिसाइल फायर की जाती है। इनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए हो सकती है। युद्ध लड़ने की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है। ऐसे में क्या नेतन्याहू इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। इसराइल और अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट इस वक्त बहुत परेशान हैं। इसराइल का वॉर रूम सवाल पूछ रहा है कि वो कब तक आयरन डोम की मिसाइल फायर करते रहेंगे। एक मामूली रॉकेट को रोकने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल फायर की जा रही है, ये कब तक चलेगा? ऐसे में इसराइल का आयरन डोम वाला गोदाम खाली हो जाएगा। हिजबुल्ला और हमास के रॉकेट अटैक के खिलाफ आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम पर इजराइल बहुत ज्यादा भरोसा करता है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है, ये मिसाइल को भी रोक सकता है, ये रॉकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। आयरन डोम के फैन डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस शील्ड अमेरिका में लगाएंगे। ये ऐसा डोम होगा जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। We'll prevent World War III, which is very close to happening. I will restore peace through strength, and in my next term, we will build a great Iron Dome missile defense shield over our country.
डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल बाकी। मुद्दा ये है कि ईरान ने बड़े युद्ध से पहले क्या इसराइल को एक ऐसे चक्र में फंसा दिया है जिसमें इसराइल का एयर डिफेंस गोदाम खत्म होने जा रहा है। इसराइल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि आयरन डोम की मिसाइल के पार्ट अमेरिका में बनते हैं, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि आयरन डोम का गोदाम तभी भरा हुआ रहेगा जब अमेरिका से हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। He also stressed that the unprecedented scale of U.S. support for Israel since October 7th should leave Iran, Lebanese Hezbollah, and other Iranian-backed terrorist groups with no doubt about U.S. resolve. ऐसे में मिसाइल और उसके पार्ट्स को लेकर इजरायल के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये डर हमेशा बना हुआ है, इसलिए बड़े सवाल एक बार फिर। क्या ये इजरायल के खिलाफ ईरान का चक्रघिन्नी युद्ध है? क्या ईरान ने इसराइल की एयर डिफेंस बैटरी फेल करने की तैयारी कर ली है? क्या इसराइल के खिलाफ ये ईरान का शॉर्ट सर्किट प्लान है? We know that the threat is there, it's still there. The Iranians are capable to shoot to Israel missiles and UAVs and cruise missiles, and this is exactly what we are preparing ourselves, as I said, for very long time. And we have to say that it is us together. With the CENTCOM and the coalition which is around us, which is something very significant for the defense. इसमें कोई शक नहीं कि अब तक आयरन डोम दुनिया में मशहूर हुआ है। ये इजराइल का बहुत ही सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आयरन डोम ने अब तक हमास की तरफ से दागे गए हजारों रॉकेट को मार गिराया है, लेकिन उसके सामने अब बड़ी मिसाइलों का चैलेंज है जो ईरान के पास भी है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथी दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और उन्हें रोकने के लिए इजराइल का एयरो डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से तैयार है। इन्हें रोकने के लिए इजराइल के पास है बहुत ही सटीक एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसकी तुलना रूस के S-400 से की जाती है। ये इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया हुआ है। ये इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे खतरनाक सिस्टम माना जाता है। यही डिफेंस सिस्टम है जिसके बलबूते ईरान की भी मिसाइलों को रोक लिया जाएगा। 13 अप्रैल को जब ईरान ने 300 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, तब कई बड़ी मिसाइलों को एरो सिस्टम ने ही रोका था। इसराइल इस बात का बहुत भरोसा करता है। जब एरो 3 मिसाइल लॉन्चर से निकलती है तो समझ लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी हो, ये लंबी दूरी की रेंज तक उसे मार गिराएगी। इसी को ईरान का चक्रघिन्नी युद्ध कहा जा रहा है, जिसमें इसराइल पूरी तरह से फंस चुका है।